हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनुश्री, जखाऊ में उम्मीद जताई जा रही है कि करीब डेढ़ घंटे बाद ये जो तूफान है ये तट से टकराएगा। क्या हालात हैं वहां पर अभी और किस तरीके से प्रशासन जो है अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है? मैं आपको बता दूं अंकित कि जो जकाओ पोर्ट है उसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। करीब 4 किलोमीटर दूर तक किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है और जितनी भी बीचेस हैं, जितने भी वाटर बॉडीज हैं पूरे कच्छ एरिया में, उनके पास किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। हम इस वक्त पे जकाओ पे मौजूद हैं, जहां आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डेढ़ घंटे में लैंडफॉल होने वाला है, तट से अभी टकराने वाला है बिपोरजॉय जो कि साइक्लोन है। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो गुजरात के लोग हैं उनकी भी बहुत तरफ से भी बहुत एक अच्छी बात ये देखने के लिए मिल रही है कि वो इस चीज को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ रही है, आप देख सकते हैं कि अभी तट के पास समुद्र के पास तो बहुत ज्यादा विंड स्पीड है, और जैसे जैसे ये बढ़ रही है, जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है, लोग अपने घरों में ही हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, सभी तरीके के रूल्स को लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और सबसे जो एक अहम बात है कि हर बीते घंटे के साथ में 5 किलोमीटर प्रति आर का जो विंड स्पीड है उसका इंटेंसिटी कम होता जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर अभी भी आईएमडी की अगर हम माने अंकित, तो कहीं ना कहीं 115 से 120 के बीच में किलोमीटर प्रति आर की विंड स्पीड रहेगी। और इस तरीके की विंड स्पीड ना ही सिर्फ एक बहुत बड़ा तूफान लाने की काबिलियत रखती है, पर बहुत बारिश भी लाएगी। और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे वो पावर कम्युनिकेशन लाइन हो, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन लाइन हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कच्चा हाउसेस हो, टेम्परेरी शेल्टर्स हो, वो सब कंप्लीटली कोलैप्स और डैमेज होने की स्थिति है। तो इसी वजह से, पर अभी सरकार का कहना है कि एक बार जब साइक्लोन चला जाएगा तब हम देखेंगे कि क्या क्या लॉस हुआ है और उस पर काम करेंगे। पर अब हम अभी सिर्फ हमारी एक सिंपल प्रायोरिटी है कि जान को, इंसान की जान को कोई नुकसान ना हो। और इसी वजह से 70,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है पूरे गुजरात में। जहां मैं इस वक्त पे खड़ी हूं जकाऊ में, सिर्फ वहीं पे 10,000 से ज्यादा लोग शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। और ये वो लोग हैं, ज्यादातर इनमें से फिशरमैन इंडस्ट्री के लोग हैं, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते थे। ये लोग सभी लोग काफी चिंतित है कि हमारा घर तो टूटेगा ही टूटेगा, पर सबसे ज्यादा जरूरी अभी इस वक्त ये है जी, हमारी जान को कोई नुकसान ना हो। इसीलिए वो सभी लोग शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ खाने पानी का बंदोबस्त किया है। मैं आपको बता दूं कि कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी की शिप जो है वो पोर्ट्स पे मौजूद है, और वो सभी एक पूरे नजर बनाई हुई है कि अगर किसी को भी कहीं रेस्क्यू का जरूरत पड़ी तो वो शिप्स पोर्ट पे मौजूद है, ताकि उनको जल्दी से डिप्लॉय किया जा सके ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ के लिए। और ये होंगी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की शिप। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत एक अच्छी जो सिस्टमैटिक कहेंगे उस सिस्टमैटिक प्रिपेयर्डनेस देखी गई है अंकित गुजरात में। और बहुत अच्छी बात यह है कि लोग भी उसको मान रहे हैं। जो भी बाद में जो घरों का नुकसान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा, सभी कह रहे हैं कि वो हम बाद में देखेंगे। अभी सबसे जरूरी ये है कि किसी इंसान की जान को खतरा ना हो, जाने ना जाए। तो इसी वजह से सब अपने घरों के अंदर है। और जैसे जैसे डेढ़ घंटा बचा हुआ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और 6 बजे का टाइम बताया जा रहा है, जैसे जैसे साइक्लोन का लैंडफॉल पास आता जा रहा है, विंड स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त बोला जा रहा है कि 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे विंड चल रही है, और ये कम से कम 115 से 120 किलोमीटर प्रति आर जाएगी। और उसी वक्त बहुत जोरों से बारिश आएगी और एक तूफान आएगा, तो जिसमें बहुत टेम्पररी शेल्टर्स गिर सकते हैं। तो हम भी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे आग्रह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों के अंदर रहें, बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि आज पूरे दिन ही ज्यादा तेज बारिश होने की संभावना है। तनुश्री, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।